हेलो गाइस, दिस इज स्वैगी। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, गेट रेडी फॉर माय न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग चलने वाले हैं पटना म्यूजियम, जिसको जादूगर के नाम से जाना जाता है, और वो जो है कि ब्रिटिश के द्वारा जो है कि इसको बनाया गया था, और इसको जो है कि 1917 के करीब में जो है कि इसको बनाया गया, और ये जो है कि बहुत अच्छा म्यूजियम है। तो आपको हम वहाँ ले चलते हैं। सो फ्रेंड, गेट रेडी एंड गेट स्टार्ट। और यहाँ पे जो है कि टिकट मीन्स अगर आदमी आता है तो उसका अलग टिकट है, मीनिंग 15 रुपये उसका, फ़ोन का अलग है। तो हम लोग चलते हैं अंदर। जो लोकल के साथ साथ जो है कि मीन्स ये जो है कि टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पे जो है कि स्पेशली जो लोग आते हैं, यहाँ पे जो है कि मीन्स अपने जो जनरेशन है, हम लोग के जो नया जनरेशन, वो जो है कि पुराने जनरेशन को देख के झलक पाने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये जो म्यूज़ियम है, रियली में जो है कि यहाँ पे बहुत से रेयर ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि पेंटिंग हो गया, स्टैचू हो गया, और भी जो ब्रिटिश टाइम के और मुगल टाइम के जो है कि यहाँ पे जो है कि अच्छे अच्छे जो है कि रेयर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। म्यूजियम में जो है कि ये जो पीछे जो तोप है, वो जो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम में जो है कि इसको रखा है, जो है कि मीन्स एक रेयर ऑब्जेक्ट है। ये है पेंटिंग गैलरी जो पटना म्यूजियम है, तो हम आपको दिखा। तो हम लोग जो है कि अभी नेचुरल हिस्ट्री गैलरी में है, जिसमें जो है कि नेचुरल स्पेसिस को जो है कि इसमें दिखाया जा रहा है। तो हम लोग देखें, ये जो पेड़ है 200 मिलियन जो है कि पुराना है, और ये जो है कि मीन्स पत्थर में जो है कि चेंज हो गया है। जब जो है बिहार और बंगाल जो है कि जब अलग हुआ, तब जो है कि यहाँ पे जो है कि पटना में जो है कि बहुत हिस्टोरिकल थिंग जो है कि यहाँ पे जो था, तो इसको बनाने के लिए जो है कि जो पटना म्यूजियम है, इसको बनाने के लिए जो है कि फर्स्ट टाइम आइडिया आया 1950 के करीब में, और इसको जो है कि बनाया गया 1970 के करीब में एडवर्ड गेट द्वारा जो है कि बनाया गया। और इसको, इस म्यूजियम को जो डिज़ाइन करने वाले राय बहादुर विष्णु ने जो है कि इसको जो है कि डिज़ाइन किया, 2 मंजिला, और आप देख सकते हैं कि ये मीन्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो है कि राहुल गैलरी है, और यहाँ पे जो है कि राहुल महापंडित, जो कि बौद्ध धर्म के जो है कि महापंडित थे, वो जो है कि तिब्बत गए थे मीन्स पढ़ने के लिए, तो उनका जो है कि स्पेशल आर्ट जो है कि यहाँ पे रखा हुआ है। उसमें जो है कि सबसे स्पेशल आर्ट जो है कि वुड ब्लॉक प्रिंट मीन्स, पहले के टाइम में जो है कि लोग जो है कि लकड़ी पर लिखा करते थे, तो वो जो है कि मीन्स यहाँ पर है। ये जो है कि मेटल आर्ट गैलरी है, यहाँ पे जो है कि मीन्स जितना भी जो है कि मेटल से जो है कि आर्ट था उस टाइम में, उसको जो है कि प्री रिजर्व करके रखा गया।
आपका नाम क्या हुआ अंकल? मेरा नाम हुआ बिलत पासवान। अच्छा बिलत पासवान, तो आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? 2020 से। तो और जगह आप म्यूजियम में विजिट किए हैं, तो आपको वो म्यूजियम और ये म्यूजियम में क्या क्या अच्छा लगा? हम यही फर्स्ट बार जो कि यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे आपको अच्छा लगता है? हाँ बहुत अच्छा। लोग जो आते हैं कैसा, ज़्यादा लोग आते हैं या कम आते हैं यहाँ पे? ना ना, यहाँ पर तो मान लीजिए जैसे आज संडे है ना, तो संडे को ज़्यादा भीड़ रहता है। अच्छा, इसके बाद जो 1500 के संख्या में जो थे इसके बाद दर्शन। ये जो म्यूजियम है मिस, अगर आप चाहते हैं अगर एंशियंट टाइम या हिस्टोरिकल चीज़ों में जो है कि अगर इंटरेस्टेड है, तो आप जो है कि यहाँ पर विजिट कीजिए।